A very warm welcome to all of you in this bitter cold. So today we came back with a new thought and new energy. Let's begin a healthy discussion on this trendy, ongoing and money-minded damage to our mother earth, that is fast fashion. Hello friends, my name is Raj Anand. फास्ट फैशन एक ऐसा चैनल है जिसमें आप 10,000 खर्च करके 5,000 बचाते हो और जो आपने 10,000 में खरीदा है वो आपके डेली लाइफ में उतना मैटर नहीं करता, हाँ अगर 2-3 घंटे के ग्लेयर को छोड़ दें तो। बेसिकली दिस टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन 2 टाइप ऑफ इनसिक्योरिटीज जो कंपनियां हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को देख कर हम पर थोप देती है। पहला, जिसमें कंपनियां सेम डिजाइन के प्रोडक्ट को बनाती है वो एक लार्ज स्केल में ताकि लोग इसके चीप प्राइस को लेकर इन पे खरीद लें। जैसा कि तुम पिछले कुछ सालों में देखे होगे कि एक टी शर्ट बहुत फेमस हुआ था अपना टाइम आएगा तो लेकर, और ये टी शर्ट मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बताऊं तो अधिकतर ने खरीदा था विदाउट मच नीड ऑफ टी शर्ट एट दैट टाइम। यानी अगर उस टाइम वो टी शर्ट वो नहीं खरीदते तो भी उनका कोई काम खराब नहीं होता, यानी वो चलता ही रहता। पर जो अगर उस टी शर्ट को वो नहीं खरीदते तो हो सकता था वो लोग उन्हें कहते कि तुम ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो। दूसरा, जिसमें कंपनियां डिफरेंट डिजाइन के प्रोडक्ट बनाती है या सेम डिजाइन के वेरी लिटिल अमाउंट में, जिससे कंज्यूमर को लॉस माइंडसेट एस्टेब्लिश हो जाता है कि अगर वो इस प्रोडक्ट को नहीं परचेज करता है तो हो सकता है कि कोई और इसे खरीद लेगा या फिर सेम डिजाइन के प्रोडक्ट बाद में नहीं मिलेंगे। और इन सब के बाद आता है सेल, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड पावरफुल टूल ऑफ ब्रांड एंड ई कॉमर्स। मैं टायर 2 टायर 3 सिटी से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ 4-5 साल पहले तक लोग दुर्गा पूजा पर ही न्यू कपड़े लिया करते थे, और ऐसा नहीं है कि उस समय लोग ट्रेंडी या फिर कहें फैशनेबल कपड़े नहीं लेते थे। पर ये बीते 2-3 सालों से पूरा कंज्यूमर इकोसिस्टम ही बदल गया है। अब तो हर हफ्ते कोई ना कोई सेल लग ही जाता है, वो भी 50-70% डिस्काउंट के साथ, और यहाँ पर भी लोग खूब जमकर शॉपिंग करते हैं। बट हाउ द क्लोथ, कपड़े जो हम लोग पहनते हैं वो आखिर इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कैसे कर रहा है। अगर वर्ल्ड के कुछ बिग क्लोथ ब्रांड की बात करें तो H&M वियर जो कहती है इट्स कलेक्शन इज कॉन्सियस, लेविस का कहना है आप प्लेनेट की मदद कर सकते हो इनकी जीन्स पहनकर, H&M ऑल्सो ऑफर डिस्काउंट इन देयर एक्सचेंज ऑफ रिसाइक्लेबल क्लॉथ। अगर 2019-20 की डाटा की बात करें तो गूगल पर मैसिव अमाउंट में सस्टेनेबल फैशन सर्च किया गया और ये भी 75% ज़्यादा, और इसी चीज़ का फायदा ऐसे बिग ब्रांड उठा रहे हैं और वो भी नए टैग को साथ में लॉन्च करके, जैसे कि इको फ्रेंडली फैशन, सस्टेनेबल फैशन, प्लैनेट फ्रेंडली फैशन और हाँ गिल्ट फ्री फैशन। जारा का कहना है ये अपने सारे क्लोथ को 100% सस्टेनेबल बना देगा 2025 तक। H&M कहती है कि ज़्यादातर इनके क्लोथ अभी से ही सस्टेनेबल हैं, साथ ही इन्होंने कहा है कि इनकी कंपनी 100% सस्टेनेबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएगी 2040 तक। एडिडास का कहना है ये अपने ज्यादातर शूज को वेस्ट प्लास्टिक से बनाती है, साथ ही वैलेंसिया और बर्बरी का भी सेम दावा। बट द प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम हियर, H&M कहती है इट्स कलेक्शन इज कॉन्शियस, पर 2019 में इसी ने 4.3 बिलियन के गुड्स ओवर प्रोड्यूस किए थे तो उनका आखिर क्या हुआ। 2018 में बर्बरी ने $36.8 मिलियन के एक्सेस क्लोथ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बर्बरी अपने आप को एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली ब्रांड क्लेम करता है। हालिया के EU के रिपोर्ट के मुताबिक 42% ये जो कंपनियाँ क्लेम करती है वो सारे फॉल्स होते हैं, और इनके लिए एक वर्ड भी है ग्रीन वॉशिंग, यानी रियल इशू से डाइवर्ट करना। क्योंकि अगर इन फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो ह्यूज अमाउंट में ये लोग ग्रीन हाउस गैस को इमिट करने के साथ साथ लार्ज अमाउंट में वाटर को यूज और पॉल्यूट भी करती है। फ्रेंड्स, एक टी शर्ट को बनाने में एवरेज 2250 लीटर पानी का यूज होता है, और ये इतना पानी है कि नॉर्मली 28 साल में हम इतना वाटर कंज्यूम करते हैं पीने के लिए। फ्रेंड्स, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। पर एक टी शर्ट को बनाने में इतना पानी कैसे लग जाता है, क्योंकि दोस्तों 1 kg कॉटन की खेती के लिए 20,000 लीटर पानी का यूज होता है, और 1 kg कॉटन इनफ है एक टी शर्ट और एक पेयर जीन्स बनाने के लिए। फैशन इंडस्ट्री हर साल 93 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर यूज करती है, और ये नंबर इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि आप इतने पानी से 37 मिलियन ओलंपिक स्विमिंग पूल को फुल कर सकते हो। आप में से अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होगा पर उज्बेकिस्तान में 50 साल की कॉटन की खेती ने आरल सी को सुखा कर रख दिया, और ये समुंदर आज कुछ ऐसा रेगिस्तान की तरह दिखता है। वाटर को डाइंग के लिए भी यूज किया जाता है, और इसके बाद इन वाटर को डायरेक्ट स्ट्रीम में फ्लो करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और इससे लार्ज अमाउंट में माइक्रोप्लास्टिक एक्वेटिक लाइफ में इंटर कर जाती है, जैसे कि फिश वगैरह में, और वहाँ से हमारे प्लेट में, यानी घूम पीकर ये ह्यूमन बींग को ही नुकसान पहुँचा रहा है।
फ्रेंड सिर्फ वाटर ही नहीं, अगर इनके कार्बन फुटप्रिंट को देखें यानी कार्बन इमिशन की बात करें तो 8-10% फैशन इंडस्ट्री कार्बन इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये नंबर अगर एविएशन और मैरिटाइम शिपिंग इंडस्ट्री को जोड़ दें तो इनसे भी ज़्यादा है। फैशन इंडस्ट्री हर साल पूरी दुनिया का 4% वेस्ट अकेले जनरेट करती है। कुछ ओपन सोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 93 मिलियन टन यूज्ड क्लोथ हर साल लैंडफिल में जाते हैं, और 93 मिलियन टन आखिर है कितना? अगर एक ट्रक को हर सेकंड भरा जाए एक साल तक, तब जाके ये इसके बराबर होगा। एस्टिमेट की बात करें तो हर साल लगभग 150 बिलियन गारमेंट खरीदे जाते हैं, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना वर्स्ट मटेरियल मिलेगा, साथ ही जितने चीप क्लोथ होंगे उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। आप सबने कभी नोटिस किया है ज़्यादातर ऑनलाइन कपड़े या तो रेयन या पॉलिस्टर के क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं पर एक्सट्रीमली पॉल्यूटिंग, क्योंकि ये 2-3 गुना ज़्यादा कार्बन इमिट करते हैं एज कम्पेयर टू कॉटन। साथ ही फ्रेंड अगर ऑनलाइन की बात करें तो इस चैनल को सबसे ज़्यादा ग्रोइंग या फिर कंटिन्यूसली इवॉल्वमेंट फेज में रहने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मदद कर रही है उसका भी जन्म इन्हीं 3-4 सालों में हुआ है, द वन एंड ओनली सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। 1000s of articles और इंस्टाग्राम पोस्ट मिल जाएंगे आपको रोजाना जो लेटेस्ट ट्रेंड और हर पार्टी फैशन में ड्रेसअप होने के लिए बताते हैं आपको। एंड दिस इज द बिजनेस मॉडल ऑफ फास्ट फैशन। देखो फैशन इंडस्ट्री हमेशा चाहती है ओवर परचेजिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना प्रॉफिट इन्हें मिलेगा, बट हमें समझना होगा कि हम प्रॉफिट के लिए अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते।